नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम आपको इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं और वो है कि रानिया हलके के गांव में भाजपा प्रत्याशी को जनसभाओं के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कई गांव में कार्यक्रम को छोड़कर खिसकना पड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं को। आपको बता दें कि बचेर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान चौधरी देवीलाल अमर रहे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये कार्यक्रम भाजपा का था। जी हाँ, भाजपा प्रत्याशी को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को ग्रामीण जनसभाओं के दौरान कोई समर्थन नहीं मिल रहा। कार्यक्रमों में भाजपा का इक्का दुक्का ही कोई वरिष्ठ नेता उनमें साफ साथ में नजर आया। यानी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनके साथ कोई वरिष्ठ नेता कम ही नजर आए। रानिया हल्का के गाँव बचेर फतेहपुरिया भुना तथा नानुआना सहित आधा दर्जन गाँव में विरोध का सामना करना पड़ा। बचेर गांव में जहां देवीलाल जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लग रहे थे वहां पर भाजपा के नेताओं ने माइक छोड़ दिया और नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने लगे। गुस्साए ग्रामीणों का कहना था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों की बीजेपी ने अनदेखी की है, भाजपा नेताओं ने गांव की कभी सुध नहीं ली। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन कार्यकर्ताओं को समझाते भी नजर आए। पल पल रानिया से ओपी वर्मा की विशेष रिपोर्ट। काम करें ताकि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, आप सब लोग सवाल क्यों बनी है? आप सब क्या बनी है? बैठ गया है, बैठ गया, बात करो, सवाल होगा। घर ही कौन नहीं हो रहा? हम तुम रहेंगे, इतना साल हो गया, इतना साल के लगे तो बिना पूछे छोड़ के उठ गया। एमएलए बनाया, पांच साल हो गया, छोड़ के उठ गया। कोई कार्यकर्ता को पूछो, एक ना रोज मर्जी का तो फिर लो वोट, मर्जी का वोट लो फिर आपका कमल का बटन पर है कि वोट करो। मैंने पूछो लेकिन बस गुस्सा मारे में है। हम चौधरी देवलाल के साथ रही चौटाला परिवार के साथ काम करें ताकि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और ओम प्रकाश चौटाला आप सब लोग
आप सबने को आपसे सवाल क्यों को नहीं है? आप सबने बोला बात करो सवाल मैंने घर को नहीं हो राम चंद्र के इतना साल हो गया इतना साल के लगे के खोज बात है।